Hey guys, कैसे हो? मैं हूं ज्योति अस्वाल एंड आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं धमाकेदार अनबॉक्सिंग स्मार्ट क्राफ्ट की तरफ से आने वाले इस ऑफ रोड कार की, जिसकी खासियत यह है कि यह 360 फ्लिप करता है। किस तरह, वो तो आपको आगे पता चलेगा वीडियो में, तो वीडियो को देखो, चलो इसे करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्सिंग करने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपने प्रोडक्ट के थोड़े से डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ये है पावर एजेंट टॉय और ये है मैट ड्रेसर सुपर पावर। ये देखो इस साइड, यहाँ पर लिखा हुआ है टू व्हील ड्राइव एंड यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 3 साल के ऊपर के बच्चों के लिए है, बट आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। और ये 3 कलर में अवेलेबल है, बट हमारे पास जो आया है वो है ब्लू कलर में। आप येलो और रेड कलर भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये देखिए, इसके अंदर में यहाँ पर लगाने होंगे हम लोग को 4 बैटरीज। तो चलिए अब निकालते हैं अपने मेन गाड़ी को और देखते हैं कैसा है ये। तो ये निकल रहा है हमारी गाड़ी और ये देखो, ये फ्लिप करता है इस तरफ 360 डिग्री, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, और भी देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट्स हम लोग को इस बॉक्स के अंदर मिले हैं। तो इस बॉक्स में जो हमें मिला है ये है इसका रिमोट। इस रिमोट में टुप 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 बटन्स हैं और यहाँ पर पीछे में आप लोग को इंसर्ट करने होंगे बैटरीज, तो वो भी आगे देखेंगे। और ये 2 आइटम्स जो लास्ट हमें मिले हैं, ये है इसके चार्जिंग केबल और ये है हमारी छोटू बैटरी जो कि लगेगी हमारे कार में। तो गाइस, गाड़ी तो हमारी निकल चुकी है एंड ये देखो कितना प्रीटी सा कार है इसका। और ये जो आप देख रहे हो रिमोट, इसमें लगेगी 2 बैटरीज AA साइज की और इसके साथ तो पहले से ही बैटरी हमारी आई थी, ये रही वो बैटरी। तो जल्दी जल्दी चलिए इसे कनेक्ट करते हैं और चलाने के लिए इसको रेडी करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस तरह ये वर्क करेगा। तो हम लोग तो पहले जल्दी जल्दी लगाएंगे अपने रिमोट की बैटरी, तभी तो ये चलेगी बढ़िया खुलचा सिम सिम। ये रही हमारी AA साइज की बैटरी जिसको हम लोग फटाफट इसके अंदर लगाते हैं और ये हो गया हमारा रेडी। इसके पीछे भी हम लोग को बैटरी को जल्दी जल्दी घुसाना है और लगाना है। इसके पीछे की बैटरी लगाने में कोई टेंशन नहीं है, चार्जिंग बैटरी है, बस आप लोग को चार्जिंग का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम चार्ज करना होगा और इसके बाद चलेगी हमारी प्यारी गड्डी। और हो जा कनेक्ट, ये तो कनेक्ट हो गया। बैटरीज तो हम लोगों ने लगा दिया है, लेकिन अब पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के ओवरव्यू की। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी है। इसके व्हील्स की बात करें तो व्हील्स का जो रबर यहाँ पे लगाया गया है, ये प्लास्टिक एंड रबर का कॉम्बो है, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि बच्चे इसके साथ आराम से खेल सके। और यदि इसकी मेन बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ है, रफ एंड टफ, आप इसके साथ यूज कर सकते हो, कितना भी पटक लो कुछ नहीं होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सेकंड फ्लोर से जाकर के गिरा देना। और ये जो घूमता है भाई, ये तो बहुत ही कमाल का मुझे लगता है, बड़ा ही मजेदार लगता है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और यदि आपको ध्यान से यदि दिख पा रहा होगा तो यहाँ पर एक दिया गया है टुनी मुनी बल्ब, ये देखिए। और यहाँ पर आपको स्पीकर भी देखने को मिलता है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा आवाज आती है। इसमें सबसे खास बात पता है क्या है कि ये उल्टा सीधा एक समान है, इसे आप इस तरह भी चला सकते हो और इस तरह भी चला सकते हो, दोनों साइड से आप इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो। अब बात कर रहे थे अपने रिमोट की क्वालिटी की, तो रिमोट तो खैर काफी छोटा सा है, बट हाँ इतना भी छोटा नहीं है कि बच्चे मतलब लाइक थोड़े बड़े इसके साथ खेल सकते हैं। ये लेफ्ट राइट का बटन, ये टॉप बॉटम जो भी है आगे पीछे, अब इसको हम लोग चला के देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसको चलाने के लिए लेके चलते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि इंडोर्स में तो यार बहुत ज्यादा साउंड कर रहा था, तो बाहर चलाने में बड़ा मजा आएगा और थोड़े से अच्छे से इसके रफ एंड टफ हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे कि ये हमारे टेस्ट को पास कर पाता है या नहीं। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं छत पर और अभी हम लोग करने वाले इसकी टेस्टिंग, वो भी जोरदार वाली और बहुत बहुत भयंकर वाली। तो चलो यार टेस्टिंग करते हैं और इसको पहले ऑन करते हैं, और ऑन करते आते म्यूजिक बजेगा। चलता है और ये देखिए इसके स्टंट्स, अरे कहाँ जा रहा हो?
दोस्तों, यहाँ ऊपर है टंकी और यहाँ नीचे में पूरा कचरा है और हम लोग अभी इससे चलाने वाले हैं अपने गड्डी को। चलो चलाते हैं। और आपने तो देखा ही, ये पूरा 360 फ्लिप करता है इसका आगे वाला मुंह, और इससे हम लोग बहुत मस्ती भी कर रहे हैं। चलो और टेस्टिंग होगी। देखिए ये रही सीढ़ियाँ, और देखते हैं ये इस टेस्ट को पास कर पाता है, यानी ये होगा इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कि ये कितना अच्छे से वर्क करता है और टूटता तो नहीं है ना। ये देखिए नीचे जाने के बाद भी ये चल रहा है, कहाँ गया ये? वाह, ये ऊपर से ऑपरेट हो रहा है पूरा। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से पटकने के बाद भी इसकी हालत कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं आई है, बहुत सही है। एंड चक्कों को भी आप देख सकते हो कितने परफेक्ट, इतना गंदा वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगा है, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सही है। एंड जैसे इसका चक्का के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सही है इसका बॉडी भी, एंड स्पेशली इसके व्हील्स वगैरह। दोस्तों ये थी स्मार्ट ट्रक की तरफ से 360 फ्लिप ऑफ रोड कार, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसको आपने देखा कि मैंने इसको कितना रफ एंड टफ तरीके से यूज किया, आपको चलाकर दिखाया, बट इसको कुछ भी नहीं हुआ एंड बहुत अच्छे से इसने वर्क भी किया, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया। इवन इतने ज्यादा रफ यूज करने के बाद भी इसमें स्क्रैचेस तक भी नहीं आए। तो गाइस, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको जानना है कि इसका प्राइस कितना है तो जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, इस पर क्लिक करके आप इसका प्राइस भी जान सकते हैं। मैं इस वीडियो में प्राइस नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे चेंजेस थोड़े बहुत होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जाइए इसे खरीदिए और जिसे चाहते हैं आप उसे गिफ्ट कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आपको ये कार पसंद आया या नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।